बात नहीं है, घुमा घुमा के बात हमारे शरीर का नुकसान नहीं हो रहा गुस्साए ग्रामीणों ने नेशनल हाईवे के वाहनों का चक्का कर दिया जाम। दो साल से ग्रामीण फांक रहे हैं मिट्टी धूल। डूंगरपुर जिले के सागवाड़ा उपखंड अंतर्गत नंदौड़ ग्राम पंचायत के ग्रामीणों ने नेशनल हाईवे डूंगरपुर बांसवाड़ा को नंदौड़ बस स्टैंड पर जाम कर दिया। ग्रामीणों ने बताया कि पिछले दो साल से नेशनल हाईवे का काम चल रहा है और गाँव के मध्य से गुजरने वाली सड़क को नेशनल हाईवे कार्मिकों द्वारा खोद दिया गया है, लेकिन अभी तक कार्य पूर्ण नहीं किया गया, जिसकी वजह से गांव से गुजरने वाले वाहनों से पूरे गांव के लोगों को मिट्टी फांकनी पड़ रही है, जिससे गांव के लोगों में बीमारी फैलने का अंदेशा है। वहीं आए दिन दुर्घटनाएं भी होती हैं। गुस्साए ग्रामीणों ने आज सवेरे इस सड़क से गुजरने वाले नेशनल हाईवे अथॉरिटी के वाहनों को खड़ा करवा दिया और आक्रोशित हो उठे। इस बीच नेशनल हाईवे अथॉरिटी के जिम्मेदार मौके पर पहुंचे और उन्होंने आश्वस्त किया कि आज ही के दिन में कार्य शुरू कर दिया जाएगा, लेकिन ग्रामीण अभी कार्य शुरू करवाने की जिद पर अड़े रहे। आपको बता दें कि पिछले दो साल से नंदौड़ से गुजरने वाले राहगीर सहित ग्रामीणों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ये आवागमन के साधनों को तो हम बाधित नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये जो राष्ट्रीय राजमार्ग स्वरूपगंज रतलाम रोड के लिए जो काम चल रहा है, उसके जो ठेकेदार हैं, उनके जो वाहन मटेरियल से भरे हुए जा रहे हैं, उनको रोक के ये कह रहे हैं हम कि ये जो काम है हमारा, जो आपने छोड़ रखा है उसको, मतलब ये साल भर से ऊपर हो गया, दो साल तो चालू करवाने तो उसको कम से कम करो। गांव के लोग धूल फांक रहे हैं, इसके लिए आवागमन में जो भी दोपहिया वाहन वाले नित्य कर्म, मतलब डेली विजन पे काम पे जाने वाले रोज नीचे गिरते हैं, यहाँ पे आए दिन घटनाएं होती रहती हैं। और ये हमारी गांव की जो स्थिति देख रहे हो आप, वो आपसे कोई छुपी हुई नहीं है। और कम से कम देखो, ये पेयजल की लाइन जा रही है लोडेश्वर से सागवाड़ा पेयजल लाइन, और इसके बीच में जितने भी गाँव जुड़े हुए हैं उनसे वो पेयजल लाइन से कनेक्ट है, लेकिन लाखों लीटर पानी यहाँ पे बह चुका है नाली में, अनावश्यक रूप से पीने का पानी बह गया। और इसके लिए भी, मतलब अधिकारियों को भी सूचित किया, अब पता नहीं इसके लिए और अलग से कौन सा अधिकारी होगा, वो तो हमको तो पता नहीं, लेकिन आपके माध्यम से हम ये बात उन तक भी पहुंचाना चाहते हैं कि बार बार आपको इस प्रकार की सूचनाएं देने के बाद भी स्वयं, मतलब डूंगरपुर मुख्यालय है अपना, और यहाँ से खंड स्तर के जितने भी अधिकारी हैं और इस क्षेत्र के जितने भी नेता हैं, वो भी इस रोड से आते जाते रहते हैं। क्या उनकी नजर में ये रोड नहीं आ रहा है? वो नहीं देख रहे हैं इस यहाँ की स्थिति को? ये कदम उठाना पड़ रहा है। आपने जो ये नेशनल हाईवे की जो गाड़ियाँ हैं उनको रोका है, ये बताना चाह रहे हैं? नहीं नहीं नहीं, नेशनल हाईवे की गाड़ी को कोई, हाँ कंस्ट्रक्शन में जो ठेकेदार की जो गाड़ियाँ हैं वो मटेरियल से लेस होकर दूसरी जगह काम पे जा रहे हैं, तो हम उनको ये कह रहे हैं यहीं रोक के कि ये काम पहले करो, फिर आप आगे जाओ। आपने उनकी गाड़ियां जो रोकी है, तो हाँ? कोई उनकी तरफ से जवाब अभी तक आया है? ये उनकी साइड से ये कुछ लोग आए हुए हैं, अभी आए हैं। आइए भाई साहब, आप साइड से आए हो ना, आगे आइए बात करिए। अरे 100 मीटर का भाग छोड़ के बाकी काम पूरा करो, चलो चलो वो करवा दो। आप सभी यहाँ खड़े हो, हाँ आश्वस्त है आज ही काम चालू हो जाएगा, आप भी मंगा लेते हैं नाली का। तो भाई ये तो ग्रामीण है साहब, खाट लगेगी यहीं पड़े रहेंगे। आप सुनिए, आप अपना नाम बताएं सर। नरेंद्र जी। किस पोस्ट पे हैं आप? हाईवे इंजीनियर। हाईवे इंजीनियर जी। तो ये जो समस्या ग्रामीण बता रहे हैं, विगत दो सालों से जो काम शुरू हुआ है तब से यहाँ पर धूल उठती हुई नजर आ रही है, तो अब आप क्या कहना चाहेंगे? 300 से 500 लोग हो गए थे, ये पाइपलाइन की वजह से रुका हुआ है सर। तो अब आगे तो क्या मसला है? पाइप मंगा दिए हैं, बस एक सामान आने की देरी है, सामान आ रहा है वो आते ही पाइपलाइन चालू हो जाएगी। पाइपलाइन का डेली इधर या दो या तीन दिन में पाइपलाइन का एरिया छोड़ दो, तीन दिन तो पाइपलाइन का एरिया किधर छोड़ोगे? इधर ये कलवट में पाइपलाइन आ रही है, वहाँ क्रॉसिंग तो कर दोगे आप? क्रॉसिंग तो यहाँ साइड से जा रही है ना सर, पूरी
साइड पे छोड़ दो ना, तो इस साइड पे बना दो। क्रॉसिंग पे है ना, क्रॉसिंग पे नहीं है सर, वहाँ भी है, तीन चार जगह खोलनी पड़ेगी। अच्छा, ये प्रॉब्लम भी पानी वाले लीकेज की प्रॉब्लम भी आज की तो है नहीं ना, वो भी 12 महीने से पानी बह रहा है, पीने का पानी बह रहा है, लोगों के पीने का पानी बह रहा है। पहले क्या बोल के गए थे? अरे विभाग को भी लिख किया, विभाग ने भी सैंक्शन भी निकाल दिया। अब तो 3 दिन में रोड बन जाएगा ऐसा बोल के गए थे उस दिन। 3 दिन में अब क्या करना आपको ये बता दो। ये गाड़ियां तभी इधर से हटेंगी, आज ही काम चालू होगा, वो हम नहीं जानते। चलो आज काम चालू कर अभी मंगा लेते हैं मशीन, अभी चालू करवा देंगे सर। बिल्कुल अभी चालू हो जाएगा काम, लेकिन ये पाइपलाइन वाला छूटेगा। हाँ छूटना छोड़ दो, कोई बात नहीं, आप तो वन वे करा दो ना, हम तो ये चाहते हैं आप आधा काम करा दो इस साइड पे। यदि दिक्कत तो वही है कि क्रॉसिंग है, वहाँ पे क्रॉसिंग है ना, तो उधर तो आपके पास बहुत तकनीक कर सकते हो। जो अभी ये जो बता रहे हैं, देखो यहाँ जो हम जो ग्रामीण उपस्थित हैं, वो उनके बात से जरा भी आश्वस्त भी नहीं है, सहमत भी नहीं है। हम यहाँ से कहीं जाने वाले नहीं है। हाँ हमारा तो आज ये काम वो करे, वो भले पाइपलाइन तक का काम छोड़ दे, भले पाइपलाइन में भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पाइपलाइन के अंदर मतलब वो सीमेंट के पॉकेट्स अंदर डालने के लिए वो भी आ चुके हैं, पाइप भी आ चुके हैं, अब ये सब बहानेबाजी की बात है। बिल्कुल बिल्कुल, ये ग्रामीण तो यहाँ तक कह रहे हैं कि हम तो रात तक भी खाट ला के भी यहाँ पे डटे रहेंगे, बाकी काम तो करना है। ऐसे ऐसे 10 बार परेशान हो गए, काफी लोगों के हाथ पे टूट गए इस रस्से की वजह से। मेरा नाम निर्मल मेहता है। सागवाड़ा लाइव न्यूज, जी हाँ, लेटेस्ट खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।